नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले में मठ मंदिरों का अज्ञात चोर अपराधियों के द्वारा बार बार निशाना बनाए जाने पर अब मिथिला वाहिनी नाम की संस्था ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक प्रसिद्ध मंदिरों को अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा चुका है, जिस पर पूर्व में भाजपा सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने इसे सोची समझी साजिश बताया था। मिथिला की धरती खासकर मधुबनी जिला क्षेत्र में चोरी और आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। ऐसी घटनाओं में चोरों एवं अपराधियों के लगातार द्वारा मठ मंदिरों को निशाना बनाकर उस जगह से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी कर ली जा रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस सोई हुई लग रही है। ऐसे एक ऐतिहासिक मंदिर उगना महादेव मंदिर परिसर जो पंडौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में स्थित है, वहां 1 फरवरी 2023 को चोरों एवं उपद्रवियों के द्वारा चोरी की जघन्य घटना को अंजाम देने और भगवान की प्रतिमा को अपमानित करने सहित पिस्टल चमकाते हुए फोटो सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सकारात्मक सामने नहीं आया। मंदिर में इस तरह की घटना एवं प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने के साथ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंदिर परिसर में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से विस्तृत जानकारी ली। मंदिर कमेटी सदस्यों मुलाकात कर इस तरह की घटना पर गहरा दुख एवं आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं कमेटी के सदस्य द्वारा ढिलाई के साथ शिथिलता बरतने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कमेटी के अध्यक्ष स्वयं अंचलाधिकारी पंडौल है, इन्हीं के क्षेत्राधीन पंडौल एवं सकरी थाना क्षेत्र आता है, फिर भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जो प्रशासन का निकम्मापन एवं अकर्मण्यता को दर्शाता है। श्री झा ने मंदिर के पुजारी पंडा एवं स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर जानकारी ली और अपनी बातचीत में उन्होंने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि कितने बड़े गंभीर विषय को लेकर वे संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर बात करेंगे। वहीं भवानीपुर गांव स्थित उगना मंदिर को पर्यटन स्थल की मान्यता सहित व्यवस्था में सुधार व सुरक्षा को लेकर मिथिला वाहिनी द्वारा अभियान चलाए जाने की बात बताएं। जरूरत पड़ने पर पार्टी द्वारा धरोहरों एवं संस्कृति स्थलों के रक्षा को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जय बाबा उगना। अखन हम सब विश्व प्रसिद्ध स्थान उगना महादेव भवानीपुर में छी, जकर किवंदिति छै विद्यापति जहन प्यासल भेला त साक्षात महादेव जी उगना रूप में छलखिन है, तो हुनका जे एहिठाम छै ओ जल पियलखिन गंगा जल, और जकर जे छै से एहिठाम कनिक हल्का अहाँ घुमा दियौ, एक आध जे छै हम बतायब जे उम्हर अहाँके चंद्रगुप्त छी, अखनो चाहे इनार छै ओहि कातमे, और ओहिठाम पोखरि छै, और जेठाम जे छै से मानल जाइ छै जे अखनो जे अगर ओहिमे जे छै अगर अहाँ उपचे चलि जेबै तऽ एकदम अन्दर तक जे छै गंगा जी के स्वरूप मे ओहिठाम विद्यमान छथिन। तऽ ताहिमे हमसब अखन आयल छी 10-12 दिन पहिने, जेना हमरा सबके जानकारी भेटल 10-12 दिन पहिने जे छै से एहिठाम एकटा घटना भेल रहै जे किछु अज्ञात लोक जे अखन प्रशासन के पकड़ मे नहि आबि सकला है। ई प्रशासन के उदासीनता कहियो या लापरवाही कहियो, जे बड़ा चिंताजनक विषय छै जे आइ हर जगह मंदिरे मंदिर जे छै से एहि तरह के घटना भऽ रहल छै, और ताहिमे ई विश्व प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर में अगर एहि तरह के घटना होइया तऽ निश्चित रूप से ई बहुत दुखद बात छै, और एहिठाम के लेल कमेटी जे छथि ओ अखन धरि कोनो तरह से पहल नहि कऽ रहल छथि, ई अहू से बेसी दुखद बात छै, चूंकि एहिठाम के अंचलाधिकारी पंडोल अगर अध्यक्ष छथिन तऽ निश्चित रूप से हमसब ई मांग करबै, चूंकि ई स्थान जे छै ओहिना अपन अलग स्थान रखै छै, तऽ एकरा जे छै राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर्यटन स्थल के रूप में जे छै एकरा जे छै से निश्चित रूप से एकरा राखै, और ओहिके अलावा जे छै से एहिठाम जे सुरक्षा व्यवस्था छै तकरो देखल जाए, चूंकि वर्तमान समय में शिवरात्रि महोत्सव आबे वाला छै, और ओहिमे अगर कोनो कारणे जे छै अगर एहिठाम का कमिटी हो या जे प्रशासन छै अगर कोनो तरह से असफल होइ छै तऽ निश्चित रूप से ई बहुत दुखद के बात हैत, और प्रवेश दै के लेल प्रशासन और सरकार जिम्मेवार हेता, अगर कोनो एहन तरह के बात होइ छै तऽ निश्चित रूप से मिथिला वाहिनी के लेल रोड पर उतरै लेल मजबूर हैत। तैं हम अहाँ सबसे आग्रह करय चाहबै माध्यम से जकरा निश्चित रूप से अहाँ सब एहि पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करैत, जे एहि से संबंधित दोषी है ओकरा पर कार्रवाई करू, और चोर सबके पकड़ कर जल्दी से ओकरा दंड के जे छै से प्रावधान जे छै ओहि के द्वारा दंडित करी। जय मातृभूमि, हर हर महादेव। निश्चित रूप से हम आग्रह करय चाहे छी कि माध्यम से अहाँ सब प्रशासनिक पदाधिकारी से जे लगातार जे मधुबनी जिला में अलग अलग मंदिर में घटना भऽ रहल छै और चोर अखन धरि पकड़ल नहीं जा रहल छै, ई निश्चित रूप से अहाँ सबके जे छै योग्यता पर जे छै से संदेह उत्पन्न करैया, और नहीं तो कतौ ने कतौ प्रशासन के मिली भगत के इंगित करै छै। तैं हम चाहब
जे अहां सब ए पर अविलंब कार्रवाई करी, नहीं तो हम सब ए के विरुद्ध गामे गामे अलग जगह कर। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।